आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि आप सभी को पता होगा दिल्ली का जो माहौल है वो बहुत गर्म हो चुका है और सीधे कहीं ना कहीं अभी आप और बीजेपी आमने सामने है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की चर्चा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को अरविंद केजरीवाल के कुछ ऐसे क्लिप दिखाएंगे जो कि अभी खूब वायरल हो रहे हैं। जब माहौल राजनीतिक हो, वो भी घमसा घमसी का माहौल हो, तो ऐसे में एक दूसरे का जो पुराना क्लिप्स होता है वो कहीं ना कहीं विपक्षी जो होते हैं वो खूब ज़्यादा वायरल करते हैं। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के कुछ पुराने ऐसे क्लिप्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, और उसी क्लिप्स के बारे में आज हम इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग होगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो क्लिप जो कि इसी 15 अगस्त के है। और आप सभी को बता दूं कि इसी 15 अगस्त जो दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक सरकारी कार्यक्रम का आयोजित हुआ था, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने तिरंगा फहराया था। उसमें अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन के क्रम में एक बड़ा चूक हो गया उनसे, एक बड़ी चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं गलत बोल गए। और आप सभी को बता दूं कि ये स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसको 175वीं वर्षगांठ बता दी। और उसके बाद क्या था, वो क्लिप जो था वो पूरी तरीके से वायरल हो गया और वहाँ पर केजरीवाल का जम करके मजाक उड़ने लगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अरविंद केजरीवाल एक पढ़े लिखे सीएम के तौर पर जाने जाते हैं, उनकी जो डिग्री है वो बहुत बड़ी है। आप सभी को पता होगा वो इनकम टैक्स में रहे हैं, बतौर कमिश्नर उन्होंने काम किया है, तो उनकी जो शिक्षा है वो बहुत उच्च है। लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा मिस्टेक कर जाना, वो कहीं ना कहीं लोग जो है अब उसको सीधे वायरल कर रहे हैं और उसको मजाक उड़ा रहे हैं। तो आप लोग भी सीधे सुनिए अब अरविंद केजरीवाल का वो क्लिप जो कि इस समय खूब वायरल हो रहा है, जो कि 15 अगस्त 2022 का है। शर्त ये कि आज 175वीं वर्षगांठ के ऊपर आजाद। और यहीं पर केजरीवाल नहीं रुके हैं। आप सभी को बता दूं कि जब पंजाब में चुनाव चल रहा था, जब चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल थे, उस समय अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी एक बड़ा ब्लंडर कर दिया। और आप सभी को बता दूं कि जब पंजाब में चुनाव के जो माहौल गर्म था, उस समय जब प्रचार हो रही थी, उस समय अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में आपके उम्मीदवार भगवंत मान के साथ जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने ये बता दिया कि भारत को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन वहीं पर जो है साइड में बैठे भगवंत मान ने उनको धीरे से बताया 75 साल। फिर अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को करेक्ट किया और उसको जो है 75 साल में जो है बताया। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल आज़ादी के कितने साल हुए हैं उस पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले सुनाया कि वो स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में बोल गए कि आज आज़ादी के 175वीं वर्षगांठ है, वहीं थोड़ी दिन अगर हम पहले जाए तो बता रहे हैं कि भारत को आज़ाद हुए 70 वर्ष हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे कि आखिरकार भारत को जो है कब आज़ादी मिली और भारत को आज़ाद हुए कितने वर्ष हुए हैं। तो आप लोगों को हम ये क्लिप सुनवाते हैं जिसमें केजरीवाल भगवंत मान के साथ बैठे हुए हैं और ये बता रहे हैं कि भारत को आज़ाद हुए 70 साल हो गए। उसके बाद आप लोग देख पाएंगे कि जो भगवंत मान है वो धीरे से कहते हैं 75 साल, फिर केजरीवाल अपने आप को करेक्ट करते हैं और कहते हैं 75 साल। तो सुनिए ये मज़ेदार क्लिप्स। अगर बच्चा अच्छा पढ़ लिख गया, बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बन गया, जैसे कल मैंने 26 जनवरी का भाषण दिया, 26 जनवरी के भाषण में मैंने कई उदाहरण दिए, एक कुशाल। तो सुना आप लोगों ने कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल इसमें बिल्कुल कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार भारत को आज़ाद हुए कितने वर्ष हुए हैं। चलिए ये तो यहाँ तक कह सकते हैं हम कि कभी कभार टोन स्लिप हो जाता है, कभी कभार मेमोरी लॉस हो जाता है, जो कि आम आदमी पार्टी की कई नेता की इस वक्त हो रही है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल को इस चीज़ का भी पता नहीं है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या फ़र्क होता है। आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो क्लिप जो कि आगे हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं वो इसी साल के, आप सभी को बता दूं कि 16 अगस्त की वीडियो है, जिसमें अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन आप सभी को बता दूँ कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने जो अभी 26 जनवरी को संबोधित किया था, दरअसल उनको कहना यह था कि उन्होंने जो अभी 15 अगस्त को संबोधित किया था, लेकिन उनका एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि मेमोरी लॉस हो गया, टॉन स्लिप हो गया, और यह कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने जो अभी
26 जनवरी का भाषण दिया था। और आप लोग ये क्लिप जो है आम आदमी पार्टी की जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी जाकर के पूरा भाषण सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पूरा आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। तो आगे हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से शायद ये भूल गए कि 26 जनवरी और 15 अगस्त में क्या फ़र्क है, या फिर उनको मालूम ही नहीं है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त में क्या फ़र्क है, क्योंकि पहले वो भारत की स्वतंत्रता मिले हुए कितने वर्ष हुए उस पर कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद अब जो है वो इस पर कंफ्यूज हो गए कि उन्होंने आखिरकार 15 अगस्त को भाषण दी थी या फिर 26 जनवरी को। तो सुनिए आप लोग अरविंद केजरीवाल का ये एक और मज़ेदार क्लिप्स। देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, 75 साल हो गए, और 75 सालों में हमसे कई दूसरे देश हमसे आगे बढ़ गए। आज हमारा देश इतना खूबसूरत है, भगवान ने सब कुछ दिया है, इंडिया के लोग इतने इंटेलिजेंट हैं। 75 साल में तो भारत को नंबर वन देश होना चाहिए था, पर हम पीछे क्यों रह गए? अगर इन्हीं पार्टियों के और इन्हीं नेताओं के भरोसे देश को छोड़ दिया तो और 75 साल में ये और पीछे कर देंगे देश को। अब बागडोर आपको अपने हाथ में लेनी है। आम आदमी पार्टी की तरफ लोग क्यों देख रहे हैं? केवल 5 साल के अंदर दिल्ली में वो काम करके दिखाया आम आदमी पार्टी ने जो 75 साल के अंदर ये सारी पार्टियां मिलके नहीं कर पाई। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी के फर्क को छुटिया नहीं पाए। और आप सभी को बता दूं कि ये 3 क्लिप जो हम आप लोगों को दिखाए हैं अभी तक, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है भारत से जुड़ी हुई जो तमाम बड़ी बड़ी बातें हैं, जो भारत के लिए बड़ा बड़ा दिन है, उसमें जो है कितना ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, और उनको कहीं ना कहीं जो तथ्य है, जो रिकॉर्ड से, वो शायद उनको याद नहीं है। और कहीं ना कहीं उनका जो नाम है वो भारत के एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री के तौर पर लिया जाता है, तो उनको इन सभी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इन सभी के कारण से उनका मजाक बन रहा है अभी। लेकिन आगे हम आप लोगों को जो अब एक वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं उसके बाद तो आप लोग अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा अभी जो दिल्ली में मुद्दा चल रहा है, अभी जो दिल्ली का राजनीति का विषय है, जिसमें CBI जांच कर रही है, और खबर है कि बहुत जल्द ED भी आएगी, और खबर ये भी है कि दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। जो शराब कांड है, जो शराब में घोटाला है, जो शराब नीति है, उससे जुड़ी ही क्लिप आप लोगों को दिखाने वाले हैं हम आगे, और आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से अपने 5 साल पूरे होने पर सरकार के अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, एक बड़ी जनसभा की थी, उसमें संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमने आपके खाने का इंतज़ाम किया, हमने आपके पीने का इंतज़ाम किया, हमने आपके दवा दारू का इंतज़ाम किया। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भले ही टॉन स्लिप हो गया हो, या फिर हम कह सकते हैं कि मुंह से निकल गया हो, लेकिन कहते हैं कि जो सच्चाई होती है वो निकल ही जाती है। और अरविंद केजरीवाल बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो किस तरीके से दवा दारू का इंतज़ाम जो है वो किए हैं दिल्ली वासी के लिए, और यही मुद्दा है जो कि अभी बहुत गर्म है। और बताया जा रहा है कि जो शराब नीति थी दिल्ली सरकार की, उसमें जो है 800 करोड़ की घोटाला हुई है, इस तरीके की आरोप अभी मनीष सिसोदिया पर लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बात को जो है खुद एडमिट अरविंद केजरीवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने जो है दिल्ली वासियों के लिए दारू का व्यवस्था कर दिया है। तो सुनिए आप लोगों अरविंद केजरीवाल का ये एक और क्लिप। आपके स्कूल का इंतजाम कर दिया, आपके पानी का इंतजाम कर दिया, आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपकी दारू का नहीं दवा का, वो एक आदमी खुश हो गया बड़ा। और इन सारी क्लिपों को सुनने के बाद आप भी बिल्कुल इसी तरीके का रिएक्शन देंगे जैसा कि अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि इसी तरीके की एंटरटेनमेंट आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी, आप लोगों को सबसे तेज़ खबरें यहाँ पर मिलेगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हो। तो बने रहे हमारे साथ, आगे फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहे, नमस्कार।